हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन मेहता। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट आवर सिलेबस हैज कंप्लीटेड फॉर द सितंबर एग्जाम, एंड फ्रॉम टुडे आई विल गिव यू अ रिवीजन ऑफ सेशन लाइव क्लास। इन लाइव क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द 3 marks एंड 5 marks क्वेश्चंस, एंड इन दिस वीडियो आई विल गिव यू डिटेल्ड explanation of various types of questions and MCQ type questions and very short questions you will do by yourself, and I will give you variety of questions which can be the part of your exam, your the question paper for the final exam point of view. I will give you this type of revision. Let's start the revision session from today. Okay, be ready. You can see assertion and reasoning based questions. Assertion means claim, dawa. Reasoning means कारण। यानी दो पॉइंट दिए जाएंगे बेटा आपको। assertion में कोई एक स्टेटमेंट होगी और रीजन के अंदर बेटा उस assertion का कारण बताया जाएगा। अगर वो उसको सूट करता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं कर रहा तो हमारे पास 4 ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर आंसर के। हमें उनमें से करेक्ट आंसर को, एप्रोप्रिएट आंसर को सर्च करना होगा इन दो स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। असर्शन यानी दावा क्या किया गया है। अपॉन हिज एक्सेशन लुइस 16th फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। जैसे ही लुइस 16 को सिंहासन पर बिठाया गया तो उसका खजाना उसे खाली मिला। ठीक है, रीजन क्या था, कारण क्या था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ फेमाइन हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कि लंबे समय तक जो अकाल पड़ा, वहाँ पर खाने का अनाज नहीं पैदा हुआ, ये ख़राब हो गया, उसकी वजह से आर्थिक संसाधन जो है वो ख़त्म हो गए। तो क्या ये आंसर, इसको ये रीजन जो है असर्शन को सूट कर रहा है, क्या ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन है। यस, सही है, क्योंकि ये उन सब कारणों में से एक कारण है जिसकी वजह से राजा का जो खजाना था वो खाली हो गया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। दूसरा रीजन है, दूसरा पॉइंट दे रखा है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। कि ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही जो है उसका दावा नहीं करता, या उसकी सही एक्सप्लेनेशन या सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड को जो पॉइंट है वो है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यहाँ पर आप ये दावा कर रहा है कि ए सही है और आर गलत है। फिर फोर्थ पॉइंट है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। कि ए तो गलत है और आर ट्रू है। तो हमारा इन दोनों पॉइंट को हम किस कैटेगरी का मानेंगे, ए वाले का मानेंगे, कि दोनों ही सही हैं और जो रीजन है वो असर्शन का सही रीजन बैठ रहा है, यानी उसको सूट कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हैं असर्शन क्या दिया हुआ है। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेज बाय बर्थ। देखिए, दो जो स्टेट के लोग थे फ्रांस में, जिनको हम कह सकते हैं कि बाय बर्थ उनको कुछ खास अधिकार दिए गए थे, यानी जन्म से ही उनके पास कुछ विशेषाधिकार थे। तो रीजन में क्या दिया गया है, देवर रिस्पेक्टेड बाय द सोसाइटी। उनको समाज के द्वारा इज्जत दी जाती थी। तो क्या ये रीजन इसको सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन रियलिटी किसकी थी, रिस्पेक्ट नहीं करते थे, बल्कि ये वाला पॉइंट सही है। तो अब इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यानी इज्जत नहीं दी जाती थी, बल्कि उनको कोसा जाता था कि इनकी वजह से हमें कोई राइट नहीं मिलते हैं। फिर आगे है असर्शन थर्ड में, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द फर्स्ट स्टेट व्यूड देमसेल्स एज स्पोक्समैन ऑफ द होल फ्रेंच नेशन। जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे वो अपने आप को पूरे फ्रांस देश के प्रतिनिधि के रूप में, या प्रवक्ता के रूप में, या अपने प्रतिनिधि के रूप में देखते थे। उनको लगता था कि हम ही इनके प्रवक्ता हैं, इनकी तरफ से अपनी बात रखने वाले हैं। रीजन, दे एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेज बाय बर्थ। अब उनको जन्म से ही
कुछ खास अधिकार मिले होते। ये बात तो सही है कि उनको कुछ खास अधिकार मिले होते, लेकिन क्या वो अपने आप को स्पोक्समैन कहते थे? क्या उनको जनता भी मानती थी अपना स्पोक्समैन? नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर 4 पॉइंट यहाँ पर ठीक मिलेगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आप देखा आपने, इस टाइप से ही आपने आंसर देना है। अब नेक्स्ट देखिए, द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड एज द रेन ऑफ टेरर। जो 1793 से 1794 का फ्रांस का जो समय काल है वो आतंक के राज्य के रूप में जाना जाता है। रीजन, द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग टू द लेस प्रोस्पेरस सोसाइटी। कि जो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो कम, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के, कमज़ोर समाज का तबका था, यानी गरीब थे वो लोग। तो क्या ये इसको सूट कर रहा है? यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो ए और आर हैं ये दोनों हैं तो ठीक, लेकिन जो आर है वो असर्शन का सही रीजन नहीं बन पा रहा है, यानी आतंक का राज्य वो कैसे था इस चीज़ को ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या कौन सा आंसर मानेंगे इसमें? थर्ड पॉइंट मानेंगे कि यहाँ पर, सॉरी सेकंड पॉइंट मानेंगे यहाँ पर, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये वाला पॉइंट सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। ये कुछ ऐसे आपको वर्ड्स दिए जाएंगे और आपको इनको सीक्वेंस में लगाना होगा। जैसे रेन ऑफ टेरर है, बेस्टिल अटैक है, नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैसे इसको, पहले कौन सी घटना हुई उसके हिसाब से इसको सेट करना है। तो पहले क्या हुआ था? बेस्टिल अटैक हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था? नेशनल असेंबली बनी थी जिसने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, यानी फ्रांस का संविधान बनाया था। उसके बाद रेन ऑफ टेरर यानी आतंक का राज्य स्थापित हुआ था। तो ऐसे 2, 3, 1 का इसका सीक्वेंस रहेगा। फिर आगे देखिए, रेन ऑफ टेरर, लुइस 16th एग्जीक्यूटेड और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो यहाँ पर आप सीक्वेंस देखिए, पहले कौन सा आना चाहिए? लुइस 16th को एग्जीक्यूट किया गया था, उसे फांसी पर लटका दिया गया था। फिर उसके बाद रेन ऑफ टेरर इस्टेब्लिश हुआ था और लास्ट में इसमें डायरेक्टरी रूल फ्रांस में इस्टेब्लिश हुआ था। अब नेक्स्ट मैं आपको एक नया पैटर्न और बता रही हूँ बेटा, जो कि है मैच द फॉलोइंग। हालांकि अब तक आपने देखा है पिछली क्लासेज में कि सीधा सिंपल मैचिंग होती है मैच द कॉलम में, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग प्रकार से आपको एक मैचिंग दी गई है। मैच तो करना ही है, साथ ही साथ इन कोड्स में से वो सर्च करना है जो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे ऑप्शन दिए गए, इनमें से सही मैचिंग किसके साथ हुई है हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट है, लुइस 16 असेंडेड द थ्रोन ऑफ द फ्रांस। लुइस 16 ने सिंहासन संभाला फ्रांस का। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल, बास्टिल की जेल का टूटना। नेपोलियन वॉज डिफीटेड एट वाटरलू। नेपोलियन का वाटरलू नामक जगह पर हार जाना। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैच करने के लिए दी गई हैं ईयर्स के साथ। तो यानी कि लुइस 16 कब सिंहासन पर बैठा था? 1774 में बैठा था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो गया। हम यहाँ पर राइट करते चलेंगे ताकि सीक्वेंस बन जाए और हम इसको सही से यहाँ से मिला सकें कि किसके साथ हमारा आंसर मैच हो रहा है। स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल यानी बास्टिल का पतन कब हुआ था? 1789 में हुआ था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। फिर नेपोलियन को कब हराया गया था? लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा ही 1815 है, यानी बी। तो अब यहाँ पर क्या सीक्वेंस बना? सी ए बी हमारा कौन से यहाँ पर सही ऑप्शन मैच कर रहा है? देखिए, सी ए बी यानी बी ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, तो इसको हम टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए दूसरा, नेपोलियन क्राउंड, नेपोलियन राजा बना। फिर दूसरा है, एग्जीक्यूशन ऑफ लुइस 16 यानी लुइस 16 को मौत के घाट उतारा गया। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रीय सभा द्वारा फ्रांस देश के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया या ड्राफ्ट पूरा किया गया। तो इसको भी ईयर्स के साथ मैच करना है। तो देखिएगा, नेपोलियन को सिंहासन पर बैठा था वो 1804 में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो गया। फिर दूसरा है, एग्जीक्यूशन ऑफ लुइस 16, वो आपको पता ही है कब हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1793 में हुआ था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसके बाद नेशनल असेंबली कंप्लीट, इसने नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया था, कब किया था? 1791 में, यानी बी ऑप्शन।
यहाँ पर एक 1793 का ऑप्शन भी दिया गया है जो कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर। अब आपने यहाँ पर देखा नेशनल असेंबली बनाई गई थी जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1791 में, और जो लुई 16 था उसको मौत के घाट उतारा गया था 1793 में। तो ये सीक्वेंस बना सी ए बी। सी ए बी यहाँ पर किसको सूट कर रहा है, देखिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है हमें, ए सी बी सी ए बी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, देखिए करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड री राइट। एक कुछ स्टेटमेंट्स दी गई होंगी आपको और उसको आपको सही करके लिखना है, यानी आपके लेसन में से ये रेफरेंस लिया जाएगा और उसको थोड़ा सा चेंज किया हुआ मिलेगा आपको। अगर किसी ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में उसको समझा है अच्छे तरीके से, तो वो समझ जाएगा कि गलती कहाँ पर है और उसको उसी गलती को ही करेक्ट करके लिखना है। सिर्फ कहीं कुछ ही वर्ड्स की मिस्टेक आपको दिखाई देगी। टैले वाज काइंड ऑफ टैक्स लेविड बाय द चर्च। टैले एक प्रकार का ऐसा टैक्स था जो कि चर्च के द्वारा लिया जाता था। तो चर्च के द्वारा जो टैक्स लिया जाता था बेटा, वो था टाइथ, जबकि यहाँ पर टाइल का एग्जांपल दिया गया है, यानी ये रोंग है ये वर्ड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइथ, टाइड आ जाएगा। टाइड क्या है, एक टैक्स है जो कि चर्च लेता था, और टाइल जो था वो कौन लेता था, वो गवर्नमेंट लेती थी। तो ये आपने करेक्शन कर दी। अब इसके बाद इन टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट मोंटेस्क्यू प्रपोज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दो सरकार के जो दो समझौते होते हैं, इसमें मोंटेस्क्यू ने शक्ति का ऐसा बंटवारे की एक वर्णन किया है जिसमें विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति को बांटा जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि ये तीनों में बांटा जाएगा, और इसमें बुक का रेफरेंस भी आ गया है कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट का जो ये फॉर्मूला था बेटा, ये तो जॉन लॉक ने दिया था। इसका मतलब कहाँ पर कमी है, मोंटेस्क्यू के साथ तो इसका मैचिंग होगा ही नहीं। तो मोंटेस्क्यू ने कौन सी बुक लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ लॉज, क्योंकि ये जो बाकी बात है वो स्पिरिट ऑफ लॉज से मैच करती है, और मोंटेस्क्यू का बुक का नाम था टू द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो यहाँ पर टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, द स्पिरिट ऑफ लॉज के साथ। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द नेशनल असेंबली इन 1791 वेस्टेड द पावर्स टू मेक लॉज टू द किंग और द मोनार्क। जो फ्रांस देश का संविधान 1791 में बनाया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ राजा को देना। तो क्या ऐसा नेशनल असेंबली ने किया था। अब इस स्टेटमेंट में बेटा ये कहा गया है कि जो नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसका मेन मकसद क्या था, राजा की शक्तियों को बढ़ाना या राजा को कानून बनाने का अधिकार देना, जबकि रियलिटी क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द नेशनल असेंबली इन 1791 वेस्टेड द पावर्स टू मेक लॉज टू द नेशनल असेंबली, कि कानून बनाने का जो अधिकार है वो नेशनल असेंबली को दिया जाएगा, ना कि किंग को दिया जाएगा। तो आप किसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर किंग और मोनार्क को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह लिख देंगे नेशनल असेंबली। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ, लुईस 16th रीइंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी इन 1804 इन फ्रांस। लुईस 16 ने 1804 में फ्रांस में दास प्रथा को दोबारा शुरू किया। तो क्या ऐसा हुआ था, लुईस 16 ने किया था 1804 में, नहीं, क्योंकि वो तो 1793 में उसको एग्जीक्यूट किया जा चुका था, यानी वो मर चुका था। तो उसके बाद जो काफ़ी रूलिंग सिस्टम चेंज हुए वहाँ पर, और 1804 में किसका रूल था वहाँ पर, नेपोलियन का। तो इसका मतलब यहाँ पर गलती कहाँ पर है, लुईस 16 वाली यहाँ पर वर्डिंग में गलती है। तो इसको हटाकर हम रिप्लेस कर देंगे नेपोलियन के साथ, कि नेपोलियन ने रीइंट्रोड्यूस किया था स्लेवरी सिस्टम को 1804 में फ्रांस में। नेक्स्ट पॉइंट, द आइडिया ऑफ सोशलिज्म एंड कंजर्वेशन वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ पर जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका मुख्य विरासत क्या है, पूरे विश्व को उसने क्या दिया, समाजवाद दिया या रूढ़िवादिता की भावना दी। तो कौन सी चीज़ दी थी, क्या ये आइडियाज फ्रेंच रेवोल्यूशन से अमर्ज हुए थे, क्या ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के यही आइडियाज थे जिन्होंने वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को या वर्ल्ड के लोगों को इंस्पायर किया था, नहीं, वो क्या थे, ये तो बेटा रशियन रेवोल्यूशन के आइडियाज हैं।
तो यहाँ पर आना चाहिए द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। ये जो है यानी आज़ादी का भाव और लोकतांत्रिक अधिकारों का जो भाव है, ये फ्रांसीसी क्रांति की विश्व को देन है। तो आई थिंक आपको ये अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अब फिल इन द ब्लैंक्स तो सबको पता ही है कि किस टाइप से आते हैं, उसमें आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एक और दिखाने जा रही हूँ। रीड द इन्फॉर्मेशन एंड राइट अ सिंगल टर्म। सिंगल टर्म वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं बेटा। इसमें भी आपका क्या होगा कि लेसन के अंदर से कोई स्टेटमेंट ली जाएगी और आपको इसको पहचानना होगा कि ये किसकी कौन सी टर्म यहाँ पर बैठ रही है, यानी आपको सजेस्ट करना होगा कि एक सिंगल टर्म के रूप में आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो चर्च के द्वारा लिया गया वो टैक्स या वो शुल्क जो कि खेती के उत्पादन पर लिया जाता था और 1/10 हिस्सा लिया जाता था, तो उसको क्या कहा जाता है? टाइद। टाइद यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके बाद देखिए बेटा, दूसरा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। चर्च के अंदर जो है अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, ग्रुप हैं, यानी अलग अलग समूह के जो लोग हैं जो कि कुछ खास काम करते हैं, यानी चर्च के अंदर जो धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, उन लोगों को क्या कहा जाता है? क्लर्जी। क्लर्जी कहा जाता है। और इसके बाद जो है यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794। 1794 तक फ्रांस में कौन सी मुद्रा का प्रचलन जारी रहा जो कि 1794 में बंद कर दी गई थी? इससे 1794 से पहले फ्रांस की करेंसी कौन सी थी? लीवर। यहाँ पर लीवर दिया हुआ है बेटा। इसके बाद देखिए अ डायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। एक वो प्रत्यक्ष कर जो कि सरकार के द्वारा सीधा लिया जाता था और थर्ड स्टेट के लोग ही इसको देते थे, उस टैक्स का नाम था टाइल। टाइल नाम का टैक्स वो सरकार को देते थे और टाइद नाम का टैक्स वो चर्च को देते थे। और अगली हमारी टर्म का हमें सजेस्ट करनी है इस स्टेटमेंट के लिए, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। एक बहुत ही अद्भुत अलग प्रकार की स्थिति जिसमें लोगों की आजीविका के साधन खत्म हो जाते हैं या खतरे में पड़ जाते हैं, यानी भूखे मरने की नौबत आ जाती है, वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहलाएगी, यानी जीवन निर्वाह को खतरा, जीवन निर्वाह खतरे में पड़ जाना। ठीक है बेटा, तो ये कुछ इस टाइप के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। मैं होप करती हूँ आपको समझ आए होंगे। और फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू और 1 मार्क के ये जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं बेटा, ये अपने लेवल पर आप तैयार करते रहिए। और इसके साथ साथ जो भी चैप्टर मैं उठाती हूँ बेटा रिविज़न के लिए, आप भी साथ ही साथ उसकी रिविज़न कम्प्लीट कीजिए ताकि टाइमली और एक आप रिविज़न कर पाएँ पूरे लेसन की और उसको समझ पाएं। थैंक यू वेरी मच।